गुड मॉर्निंग। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है वो 10 बजे से हो रही है, और यहाँ पे मैं क्यों हंस रही हूँ ये बता देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने सोचा मैं फोटो ले रही हूँ, तो हस्बैंड बिल्कुल स्ट्रेट होके खड़े हो गए। तो हम लोग यहाँ पे तैयार श्यार होके जा रहे हैं सरोजनी मार्केट, जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो हम यहाँ पे निकले फटाफट से रूम से बाहर, और आरुषि को इसके पापा इतने तेज़ तेज़ चला रहे थे कि क्या बोल सकते, इतने छोटे छोटे कदम और इतने बड़े बड़े पैर, मतलब कदम लगाने दे रहे थे, पैर नहीं कदम। तो फिर हम सबसे पहले घर रूम से निकलने के बाद एटीएम में गए, एटीएम में जाके हमने पैसे निकाले थोड़े से, और क्योंकि सरोजनी मार्केट जा रहे थे वहाँ पे पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सामान देखने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ ले ले, बट सब कुछ तो नहीं लिया हमने, जो मेन मेन सामान था हमारे को लेना था वो लिया हमने। फिर यहाँ पे जो हस्बैंड ने अपना पूरा सबूत मिटा दिया और एटीएम लिया, एटीएम कार्ड लिया, और चल पड़े हम। फिर यहाँ ऑटो लिया हमने, ऑटो लेके हम यहाँ पे जा रहे थे सरोजनी मार्केट की तरफ। तो हस्बैंड ने बोला यहाँ से थोड़ा ये वाला व्यू जो ये भी दिखा दे, तो मैंने बोला यहाँ पे ये व्यू दिखाने लायक नहीं है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हो हम, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मतलब ये जो ये वाला जो इलाका है दिल्ली का, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम ही रहती है, और यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होता है कि क्या बताए। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया, वीडियोज़ वगैरह बनाया, फिर हस्बैंड ने बोला ओके यार ठीक है बहुत हो गया। फिर हमने यहाँ मतलब इस वाले रोड से गए सरोजनी मार्केट, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये सारा शायद हाथ का मतलब किया हुआ काम, मुझे नहीं पता, बट हस्बैंड कह रहे थे कि हाथ का किया हुआ है, और पीछे खूबसूरत से जगह से बाहर निकल के हम सबसे पहले गए सरोजनी मार्केट के, जहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है। तो क्योंकि सबसे पहले जाके हमने वही काम किया, तो इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि भूख लगी थी। वैसे ब्रेकफास्ट करके गए थे, बट बोलते हैं ना बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो हमने यहाँ पे छोले भटूरे लिए, फिर मोमोज लिए, फिर थोड़ा बहुत और भी था, फ्रूटी वगैरह जूस वगैरह जो भी हमने खाया। फिर ये सारा चीज़ खाने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप बनाया, क्योंकि मेरे पास सामान था, आरुषि अपने पापा के पास थी, तो वीडियो शूट करने वाला यहाँ कोई था नहीं, और जितना मेरे से शूट हुआ वो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये सरोजनी मार्केट हर ब्लॉगर के ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि सभी यहाँ पे आ चुके हैं जितने भी ब्लॉगर हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी जाके यहाँ पे ब्लॉग बना लूँ, क्यों मैं पहले भी आ चुकी हूँ बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बट अब जाके मैंने ब्लॉग बनाया। और थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए चप्पल वगैरह दिखाया हमने, और फिर मैं यहाँ से चली गई थी, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पे ढंग से शॉपिंग नहीं कर पाई। सरोजनी मार्केट है ये, और यहाँ पे भीड़ हमेशा रहती है, मतलब 12 महीने भीड़ रहती है यहाँ पे। फिर हम यहाँ से चले गए, हम गए यहाँ से भजनपुरा, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे भी हमने सामान वगैरह लिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कम थी यहाँ से भीड़। और फिर मेरे को हस्बैंड ने ये घड़ी गिफ्ट करी थी, ये देखिए, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये टच घड़ी है, और यहाँ पे ये सबका सपना होता है कि टच घड़ी यार सब हाथ में पहने, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं ये टच घड़ी लूँ, और हस्बैंड ने ये गिफ्ट किया, और मैंने ये अपने लिए ये जो ग्लास, बाकी आरुषि को यहाँ पे हम कबूतर दिखा रहे थे, और ये ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने घुमाया अच्छे से ये कबूतरों के बीच में ताकि ये उड़े। और यहाँ देखिए, और मेरे हस्बैंड ने ये सारे कबूतर उड़ा भी लिए, हाथ से उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने क्लिप लिया। फिर ये जो मैडम आ रही है लाल गाड़ी में, इन्होंने एड्रेस पूछा कहीं जा रहे थे, तो ये फिर ये ऑटो वाले भैया इनको एड्रेस बता रहे थे। फिर ऐसे ऐसा करके कुछ दिन ऐसे ही निकला। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सुबह से लेकर अब जाके हम घर आए, अभी जस्ट पहुँचे हैं, तो अभी मैं प्याज टमाटर काट रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी है, और पीछे ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में आवाज़ आता रहता है, क्योंकि यहीं पर साथ में सड़क नीचे को है बाज़ार, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। और बाकी ब्लॉग की एंडिंग जो है यहीं पे कर देती हूँ, और
कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था सरोजनी मार्केट में। फिर वहाँ से आने के बाद हम बजरंगपुरा गए, तो वहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करी। तो उसका जो ब्लॉग होगा वो इसी में ही आएगा, मतलब इसके बाद एंडिंग होने के बाद आएगा, तो आप लोग देखिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।